सुमेरपुर में राज्य विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र 2019 में पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर IFWJ संगठन से जुड़े पत्रकारों ने सोमवार को राज्यपाल के नाम सुमेरपुर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि समाचार संकलन के लिए विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने आपातकाल की तरफ से व्यवस्था लागू की है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हनन की तरह है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों पर लागू की गई इस तरह के भेदभावपूर्ण और सुरक्षा से सारी व्यवस्था को तत्काल हटाकर पूर्व की तरह व्यवस्था लागू करवाने को लेकर सुमेरपुर उपखंड के पत्रकार IFWJ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर तले उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी द्वारा पत्रकारों के कवरेज को रोकने के दृष्टिकोण से जो निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर रोष है। पत्रकार हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को लेकर जनता तक पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर ये कार्रवाई आज रोकी गई है, जिसका असर पूरे देश के जिलों और उपखंड मुख्यालय तक भी पहुँचा है। आशंका ये भी हो सकती है कि भविष्य के अंदर फिर निचले पायदान तक भी रोक लग जाए पत्रकारों की कवरेज पर, जिसको लेकर प्रदेश के हमारे संगठन IFWJ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय से प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ये ज्ञापन की प्रक्रिया आज एक साथ की जा रही है, और जिसको लेकर सुमेरपुर उपखंड के पत्रकारों ने भी सामूहिक एकता प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों के हक में ये निर्णय लिया है और ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया जाएगा, जिससे कि CP जोशी द्वारा जो रोक लगाई गई है उसे तुरंत प्रभाव से वापस दिया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 साल पहले विधानसभा के अंदर तत्कालीन सरकार ने काला कानून बनाकर एक पत्रकारों के मानहानि बिल पारित किया था, जिसे भी तत्कालीन सरकार को वापस देना पड़ा था।